नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर है वो चांद की सतह पर है, ये तो तय है, इसरो ने खुद कहा है। लेकिन विक्रम लैंडर से अभी तक संपर्क नहीं हो पाया है। चांद की कक्षा में घूम रहे ऑर्बिटर की मदद से ऐसा करने की लगातार कोशिश की जा रही है, सफलता कोई हाथ नहीं लगी है। लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि विक्रम लैंडर से संपर्क कर पाने की मियाद बेहद कम है, लगभग 2 हफ्ते की ही। इस बीच अगर संपर्क नहीं हो पाता है तो ये मान लेना चाहिए कि इसरो विक्रम लैंडर को हमेशा के लिए खो देगा। ऐसा क्यों? दरअसल चांद पर दिन और रात की मियाद में बहुत बड़ा फासला है। चांद पर 14 दिन की सुबह होती है, फिर 14 दिन की रात होती है। जिस समय चंद्रयान चांद पर पहुंचा उस समय चांद की सुबह चल रही थी। इस 14 दिन की सुबह के बीच ही विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को अपना सारा काम पूरा करना था। चांद की रात के बारे में बात करें तो ये रातें बहुत ठंडी होती हैं। -200 डिग्री तक तापमान चला जाता है, मतलब जिस टेम्परेचर पर पानी बर्फ में बदलता है उससे भी 200 डिग्री नीचे। और विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर गिरा है, वहां तो तापमान की कमी और भी ज्यादा होगी। और चंद्रयान को इस तरीके से बनाया गया है कि वो दिन के समय ही काम कर सकता है, रात के ठंडे तापमान में नहीं। अब विक्रम लैंडर चांद की सतह से जाकर टकरा गया है, वहां उसकी लैंडिंग सही तरीके से नहीं हो सकी। इसरो ने बताया है कि लैंडर चांद की जमीन पर टेढ़ा पड़ा हुआ है। अगर लैंडर का एंटीना सही दिशा में हुआ तो ही ऑर्बिटर से उसका संपर्क हो सकेगा। अगर लैंडर का एंटीना चांद की जमीन में धंसा होगा या टूट गया होगा या किसी पत्थर के नीचे दबा होगा तो ऑर्बिटर से उसका कोई संपर्क नहीं साधा जा सकेगा। और संपर्क की कोशिश के लिए महज समय है हमारे पास 14 दिन। उसके बाद ऑर्बिटर ही रहेगा, कह सकते हैं कि लैंडर और रोवर दोनों बेकार हो जाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी ललन टॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।